नमस्कार, आदाब। आज रात क्राइम पेट्रोल में हम पेश कर रहे हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुए रीटा गोम्स रेप केस का शेष भाग, जिसने हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मैम, मुझे तो लगता है कि ये कोई नई कहानी बनाई जा रही है। मैम, अगर विक्रम सबरवाल जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में है तो वो 16 फरवरी को रीटा गोम्स से कैसे मिल सकता है? या शायद ये वो विक्रम सबरवाल है ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि रीटा गोम्स का इस आदमी से कोई कनेक्शन था और अब इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता हमें ऐसे कोई कंक्लूशन पर पहुंचना चाहिए जब तक हमें मजहर कामरान और शाहिद हुसैन की असलियत का पता ना लग जाए। रीटा ने कहा था कि वो दोनों विक्रम के दोस्त हैं। राइट मैम। और वो दोनों भी इस रेप में शामिल थे। एक बार उन दोनों में से कोई भी एक हमारे हाथ लग जाना, ऑफिसर्स, आई एम टेलिंग यू, हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक नया चैप्टर खुलेगा। हम सच की तरफ अपना पहला ठोस कदम उठाएंगे। रीटा, कोथे जाचिस? मैम, मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, जाकर आती हूँ। देख लीजिए मैम, ये सभी मेरे बेटे के इमिग्रेशन पेपर्स हैं। मैम, अब तो बताइए, आखिर ये सब क्या है? क्यों आप लोग मेरे बेटे को ढूंढ रहे हैं? आपने रैंडल स्ट्रीट रेप केस के बारे में न्यूज में पढ़ा और सुना होगा, राइट? हाँ, पढ़े हो ची, सुने हो ची, सो व्हाट? उस केस में मुख्य आरोपी का नाम है विक्रम सबरवाल और उसके दो दोस्तों का नाम है मजहर कामरान और शाहिद हुसैन। मुझे लगता है देयर इज सम कंफ्यूजन, क्योंकि मेरा बेटा विक्रम इस वक्त तो इंडिया से बाहर है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। पर हाँ, ये मजहर और शाहिद, ये दोनों मेरे बेटे के दोस्त है और वो यही है। एड्रेस? मेरे घर के बिल्कुल करीब, रैंडल स्ट्रीट पर। ये लीजिए। इस रिपोर्ट के हिसाब से तो लड़की का रेप हुआ ही नहीं। जी हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप के निशान नहीं दिखाई दिए, लेकिन रेप के 9 दिन बाद अक्सर काफी मुश्किल होता है मेडिकली साबित करना। मतलब कि रेप हुआ हो सकता है? हुआ हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता है। पर डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट में ये घाव और खरोचों की मेंशन है। जी हाँ, बिल्कुल है, निशान है हाथ पर, गले पर, पीठ पर, लेग्स पर। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि असॉल्ट के 9 दिन बाद हमेशा मेडिकली रेप प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, पर ये इंजुरीज कहती है कि कुछ हुआ जरूर है। अगर सिर्फ इन घाव के बेसिस पर जाऊँ तो हाँ। डॉक्टर, क्या आप इन घाव को देखकर बता सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं? एक्सेक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, पर ये घाव बहुत ताजा नहीं है ना ज्यादा पुराने। थैंक यू सो मच डॉक्टर। है, ऑफ कोर्स, विक्रम हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैम, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। इनफैक्ट मैम, 16 फेब की रात को हम टैटू पब गए ही नहीं। मजहर और शाहिद, 16 फरवरी की रात को तुम दोनों थे कहाँ? 16 फरवरी, हाँ, हमारा एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था सॉल्ट लेक में, हम सब रात के 1:30 बजे तक वहीं थे। और मैम, हमने इसी पार्टी में अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया था। मैम दिखाओ। मजहर, वो वीडियो दिखा। जी, शाहिद हुसैन, ये मजहर कामरान। सर, ये वो नहीं है। ये मजहर और शाहिद है, विक्रम के दोस्त। सर, ये वो नहीं है जिस मजहर और शाहिद से मुझे पब में मिलवाया गया था और जिन्होंने मजहर और शाहिद, आप लोग यहाँ आए, थैंक यू सो मच, यू मे गो नाउ। थैंक्स मैम। अगर ये तीन वो तीन नहीं हैं, तो फिर वो तीन कौन है जो उस दिन रीटा को उस टैटू पब में मिले? और रीटा गोम्स के कहने के मुताबिक जिन्होंने गाड़ी में उसका रेप किया? मैम, ये भी तो हो सकता है कि रीटा टैटू पब गई ना हो।
मैम, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये टैटू पब वाली कहानी रीटा के द्वारा बनाई गई है। सच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रीटा के दोस्त शैला और कोंकुना, मुझे उनसे बात करनी है। और हाँ, रीटा गोम्स की एक एक डिटेल चाहिए मुझे। यस मैम। विक्रम सबरवाल, मजर कामरान और शाहिद हुसैन, जब ये तीनों ट्रेस हुए तो पता चला कि ये तीनों वो है ही नहीं जिनसे रीटा गोम्स पब में मिली थी। तो फिर इन तीनों की पहचान का और इनके नाम का कंफ्यूजन क्या था? आखिरकार कौन थे तीनों? जी हाँ, मैं, रीटा और कोंकणा 16 फरवरी की रात को टैटू पब तो गए थे और 12 बजे के करीब हम दोनों वहाँ से निकल गए थे। और रीटा वहीं पे रुक गई। जी हाँ, उसे एक ड्रिंक और पीनी थी तो वहीं रुक गई। जब तुम दोनों वहाँ पे थे तो तुमने क्या विक्रम सबरवाल या उनके दोस्तों को वहाँ पे नोटिस किया? क्योंकि रीटा का कहना है कि वो उनसे वहीं पे मिली। जी नहीं, हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा। शायद हमारे जाने के बाद उनसे मिली होगी। शैला और कोंकुना, फिलहाल तुम दोनों जा सकते हो। जरूरत पड़ने पर तुम लोगों से दोबारा बात होगी। मैम, रीटा गोम्स के पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। उसने अपनी पहली नौकरी से रिजाइन इसलिए किया क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब रहती है और उसे उनके साथ घर पे रहना होता है। उसका डिवोर्स कब हुआ? 2006 में। शादी 1994 में हुई थी। पति का नाम रायन था और ये एक लव मैरिज थी। बड़ी बेटी निकोल 1999 में पैदा हुई थी। दूसरी बेटी सारा 2001 में पैदा हुई थी। उसके बाद रीटा और रायन की आपस में जमती नहीं थी, इसलिए म्यूचुअल कंसेंट से वो दोनों अलग हो गए। मैम, तब से रीटा कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करके अपनी बेटियों की परवरिश कर रही है। फिलहाल वो अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। इस औरत के पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं। क्या मिलेगा इसे झूठ बोल के? मुझे लगता है जिन आदमियों से वो मिली थी उन्होंने तीन झूठे नाम अपना लिए थे। लेकिन मैम, यही तीनों नाम क्यों? शायद वो तीनों विक्रम, मजहर और शाहिद को पहचानते हैं। यस मैम, हो सकता है एक साजिश हो इन तीनों को फंसाने के लिए। या फिर कोई साजिश हो ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन तीनों नामों का इस्तेमाल कर लिया गया हो। फर्ज करो अर्णब, तुम अभी उस पब में जाते हो और अपने आप को रॉय करके इंट्रोड्यूस करते हो। कोई अजनबी शक क्यों करेगा? मैम, हमें टैटू पब में जाना चाहिए। रीटा गोम्स को भी साथ ले चलेंगे। जी, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। जी, क्या बोले? आंटी, वो लोग मुझे पब में बुला रहे हैं। तुम्हें टेंशन हो रही है? जी, मैं चलूँ तुम्हारे साथ? चलो, मैं भी चलती हूँ। आंटी, वो लोग खुद आ रहे हैं लेने। अच्छा अच्छा वो डीसीपी अनुराधा सरकार ऑनेस्ट ऑफिसर है, कायदे से चलती है। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था बताओ। मैम, उस रात मैं अपना दूसरा ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए यहाँ आई थी इस काउंटर पे, जब उस आदमी ने मुझे यहाँ से हाय बोला था। वन पाइन फिर मैम मैं अपने दोस्तों के पास वापस लौट गई थी, वहाँ शैला और कौन करना। जब तुम पहली बार उस विक्रम सबरवाल से टकराई थी तो तुम्हारे दोस्त शैला और कोंकुना यहीं पे थी पब में? जी मैम। तुम थे उस दिन ड्यूटी पर? जी मैडम, वो आदमी विस्की पी रहा था। और मैम, शैला और कोंकुना अराउंड 12 o'clock यहाँ से चले गए थे। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। फिर मैं यहाँ एक और ड्रिंक ऑर्डर करने आई। वन पाइंट रिपीट। एक रिपीट नहीं थी। हाय, मेरा नाम विक्रम सबरवाल है। वो आदमी भी उसी वक्त यहाँ पहुँचा और उसने भी अपने लिए दूसरी ड्रिंक ऑर्डर की। हाँ मैडम, उसने भी रिपीट ड्रिंक ऑर्डर की। फिर मैम, मैं उसके साथ वहाँ उसके साथ उस टेबल पे बैठी। बेटा क्या करती? फिलहाल तो जॉबलेस हूँ। मैम, हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं की थी,
उसने मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर किया, तभी उसके दोस्त मजहर और शाहिद वहां पहुंच गए। ये मेरे दोस्त लोग हैं, ये शाहिद हुसैन, ये मजहर कामरान। फिर मैम मैं वहां से निकल गई। फिर विक्रम तुम्हें बाहर दोबारा मिला, वो अपने कार के अंदर था और मजहर उसके बाजू में बैठा था, राइट? यस मैम। हाय। हाय। मैं कहीं ड्रॉप कर दूं? जब विक्रम तुम्हें लिफ्ट देने के लिए तुम्हारे पास आया, उस वक्त मजहर था उसके अलावा उस गाड़ी में, राइट? यस मैम। वो फ्रंट सीट पे बैठा था, मैं पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ ही सेकंड्स में विक्रम ने गाड़ी गेट पर रोकी, फिर तीन लोग अचानक से गाड़ी में घुसे पीछे के दरवाजे से जहां मैं बैठी थी। हाय। फिर उन लोगों ने मुझे बैकोलाइट क्रॉसिंग पे फेंक दिया। आपके पब में सीसीटीवी नहीं है? है ना मैडम। मुझे 16 फरवरी रात की फुटेज चाहिए। श्योर मैडम। आपका पार्किंग स्टाफ गाड़ियों का रिकॉर्ड तो रखता होगा? ऑफ कोर्स रखता है मैडम, दरअसल हमारा पार्किंग में भी सीसीटीवी कैमरा है। खूब भालो, मुझे उस कैमरा का फुटेज भी चाहिए। आखिरकार सच्चाई सामने आने जा रही थी, दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा। हाँ, अगर सीसीटीवी फुटेज के साथ टेम्परिंग की गई होती तो बात अलग होती, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम थे, लगभग नामुमकिन। क्या यही विक्रम और मजहर है? हाँ मैम, यही विक्रम और मजहर है। ये और क्या ये वही गाड़ी है? जी मैम। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ। यस मैम। ये जो भी है जहां भी है हम इन्हें धर लेंगे। थैंक यू सो मच। अब जो कर रही है बहुत बड़ी चीज कर रही है, नहीं तो अभी तक हमारी रीटा को सिर्फ ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट ही सहना पड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। जैसे ये दोनों हमारे हाथ लग जाएंगे हम आपको फोन करके बुला लेंगे। मैम ये उसी ब्लैक कार के पेपर्स हैं। ये कार किसी रमेश मेहता को बिलोंग करती है, जादापुर का बिजनेसमैन है। यहाँ शेक्सपियर शोरोनी में उसका ऑफिस है। उसे इन्फॉर्म करो हम उसे मिलने आ रहे हैं। जी ये मेरी कार है। और ये कौन? ये मेरा बेटा मिकी है। मिकी कहाँ मिलेगा और ये गाड़ी कहाँ मिलेगी? आप लोग ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हो? आपका लड़का एक रेप केस में इन्वॉल्व्ड है मिस्टर मेहता। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मेहता मिकी कहाँ है जल्दी बताइए। मिकी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है, मेरा मतलब है वो आउट ऑफ स्टेशन है। कहाँ? वो तो मुझे बताया नहीं उसने। मिकी का फोन नंबर तो होगा आपके पास, आखिर बेटा आपका। 2033-0054। हम उस तक पहुंच जाएंगे और तब तक उससे कांटेक्ट करने की सोचना भी मत, बहुत बुरे फंसोगे। देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। वो तो तब पता चलेगा ना जब वो हमारे हाथ लगेगा, और अगर वो भाग निकला तो ये पता चल जाएगा कि आप उसकी मदद कर रहे हो। ओके थैंक यू। मिकी के सेलफोन की करंट लोकेशन हावड़ा स्टेशन है। एग्जैक्ट लोकेशन जीरो इन करो। हावड़ा
आपका गेस सही निकला। कार पार्किंग लॉट में है। कार ईस्ट एंट्रेंस के पास खड़ी है। मैम, वो रही कार। और सेलफोन की लोकेशन भी स्टेशन के आसपास ही बता रहा है। आने दो उसे बाहर, हम यही वेट करेंगे। यही है वो, लेट्स गो। क्राइम ब्रांच में की मेहता, तुम्हारे साथ थोड़ी डिस्कशन करनी है, ले चलिए। असली गुनहगार पुलिस के हाथों लग गए थे, अब इस केस का खुलासा होने जा रहा था। एदिके, एदिके। मैडम ये देखिए, कार के पीछे के दरवाजे से मिला। सबसे पहले नाम, मुझे पता है तुम मिकी मेहता हो। तुम जावेद शेख। उस रात तुम्हारे साथ और तीन लोग थे, कहाँ हैं वो लोग? एक उस्मान था, वो जावेद का बड़ा भाई है। दूसरा परवेज आलम था। तीसरा सादिक मिर्जा था। तुमने रीटा को अपना नाम विक्रम सबरवाल बताया और दो दोस्तों ने मजहर कामरान और शाहिद हुसैन का नाम लिया। क्या तुम इन तीनों को जानते हो? विक्रम, शाहिद और मजर ये तीनों जिस जिम में जाते थे, हम भी उसी जिम में जाते थे। उनका नाम क्यों शामिल किया? उनसे कोई दुश्मनी? नहीं मैडम, हमने किसी का नाम तो यूज करना था, इन लोगों का कर लिया। सिर्फ जुर्म के लिए उनका नाम घसीटा इस कीचड़ में? मैडम, मैंने उसे उसका रेप नहीं किया और मैंने भी नहीं। तो फिर किसने? उस्मान ने। वो तुम्हारा बड़ा भाई? जी। और तुम लोग वहां बैठे बैठे देखते रहे। मिकी तुम गाड़ी चलाते रहे और उस्मान उस औरत का बलात्कार करता रहा और बाद में उसे उस घायल हालत में तुम लोगों ने गाड़ी के बाहर फेंकवा दिया। बाकी तीनों को तुरंत हाजिर करो और रीटा गोम्स को भी बुलवाओ। इसमें ग्लू लगा के ऐसे रखते हैं। मम्मा, मेरा फोन देना प्लीज। एंड देन इसको भी, बट डू इट प्रॉपरली। हाँ रीटा, क्राइम ब्रांच से फोन है। हेलो, जी जी, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच। क्यों लो? माँ वो लोग पकड़े गए, मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया। मैं जाकर आती हूँ। अभी तो शुभ आश्ची। ना ना माँ, निकोल और सारा के साथ भी तो कोई चाहिए ना। मैं जाकर आती हूँ।
मामा मैं आऊँ आपके साथ? नो बेटा, थैंक यू सो मच, आई मैनेज। गाड़ी तो भी स्टार्ट हुई है, लंबी जाएगी। जी सर, ये वही है। इसने अपना नाम विक्रम सब्रवाल बताया था और उस लड़के से ये कहकर मिलवाया कि ये उसका दोस्त है मजहर खान। ये हमें उस गाड़ी में मिला। मैम ये तो मेरा है। उस लड़के का असली नाम मिकी मेहता है, एक बिजनेसमैन का लड़का है, और जिन दो दोस्तों को उसने मजहर कामरान और शाहिद हुसैन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया था वो दोनों हैं जावेद और उस्मान शेख। वो दोनों इनफैक्ट भाई हैं और बाकी दो हैं परवेज आलम और सादिक मिर्जा। अपना नाम बदल लिया ताकि पहचानने में मुश्किल हो। दूसरी औरतों के साथ भी ऐसा ही किया होगा। हो सकता है, पर अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट मेरे पास आया नहीं। शायद हर बार ये लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मैडम ये दोनों भाई उस्मान और जावेद शेख जाधवपुर को बिलोंग करते हैं। लेदर का फैमिली बिजनेस है इनका। चौथा है परवेज आलम, कालीघाट से है, उसका भी लेदर का ही बिजनेस है। पांचवे का नाम है सादिक मिर्जा, बुरिया में मोबाइल फोन्स की दुकान है इसकी। मुझे सभी के सभी कस्टडी में चाहिए ऑफिसर। यस मैम। अच्छा रीटा, इन दोनों का कहना है कि रेप सिर्फ उस्मान ने किया था, सच है क्या? जी मैम, लेकिन इन्होंने पहले से प्लानिंग की थी। अगर मैं नहीं होती तो किसी और लड़के के साथ किया होता। सब कुछ पहले से तय कर रखा था, क्योंकि वो लड़का जिसका नाम आपने उस्मान बताया उसने क्वांटम का इस्तेमाल किया था। मेरी गलती क्या थी मैम? कि मैं एक सिंगल मदर हूं, मैं जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूं। मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, पब जाना अच्छा लगता है। पब में जाकर एक बियर क्या पी ली? क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मैं किसी भी टॉम डिक एंड हैरी की हवस का शिकार बनूं? सभी लोग मेरी मोरालिटी को माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर टटोलते हैं, मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, लूज कैरेक्टर अनाउंस करते हैं, छालू बाजारू पता नहीं क्या क्या कहते। लुक रीटा, इस घड़ी तुमको मजबूत बनना ही पड़ेगा। तुम्हें नीचा दिखाने वाले मर्द हो या औरत, उन सब का सामना करते हुए तुम्हें अपनी जिंदगी अपने ही टर्म्स पर जीनी है ना? यस। ऑर्डर देखे नहीं आ रहे? टाइम आचे 5 मिनट्स तुर बाबा टाइम है बोला ना। एक मिनट देखो तो जरा कौन है, और हाँ अगर वो नया असिस्टेंट हुआ ना तो बोलना मैडम पूरा 1 घंटा लेगी। ओके जी सर। क्राइम ब्रांच। सर मैंने उस्मान को काफी टाइम से नहीं देखा है। सना, उस्मान शेख आपका बॉयफ्रेंड है? ना ना सर, वो तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। लास्ट कब मिली थी आप उससे? काफी टाइम हो गया सर, महीनों हो गए। देखिए सना, हम ये जानते हैं कि उस्मान आपका बॉयफ्रेंड है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि उस्मान एक क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व्ड है। सर हमी शोधती जानी ना उस्मान कहाँ है। इनफैक्ट मैं तो खुद ही कोलकाता से बाहर थी। कहाँ थी आप? मुंबई। मुंबई में कहाँ? होटल सनविला जुहू। उस्मान तुम्हें कॉन्टेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, और जाहिर है सबसे पहले तुम हमें बताओगे। जी थैंक यू। तुमने पहले झूठ बोला,
क्यों बोला मैं जानना भी नहीं चाहती। एक और चांस दे रही हूं, मुझे उस्मान दो। मैं सही बोल रही हूं, मैं नहीं जानती वो कहां है, और शूट पे आपके ऑफिसर्स को देख के मैं काफी घबरा गई थी। मैम गॉड प्रॉमिस, मैं ये भी नहीं जानती थी कि उस्मान ने इतनी घटिया हरकत की हो। उस्मान ने अपने घर से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। जाहिर सी बात है उसे पता चल चुका है कि हम उसके पीछे पड़ चुके हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है वो कभी ना कभी तुमसे कांटेक्ट जरूर करेगा। आखिर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। थी, ऐसे आदमी की कौन गर्लफ्रेंड बनना चाहेगा। वो जैसे ही मुझे कांटेक्ट करेगा उधर की उधर ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैडम परवेज आलम मिल गया है, उसको उसके घर से धर लिया गया है कालीघाट से। वेरी गुड। उस्मान और सादिक की कोई खबर? वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए। रेड अलर्ट इशू करो, उनके घर अड्डे इलाके सभी जगह पे नजर रखवाओ। यस मैम। हेलो डीसीपी सरकार, बोल ची। मैडम मैं अलाइड न्यूज से बोल रही हूँ, क्या ये सच है कि आपने रैंडल स्ट्रीट रेप केस के गुनेगारों को पकड़ लिया है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैम तो क्या रीटा गोम्स का वाकई ही बलात्कार हुआ था? क्या ये बात झूठी है कि रीटा गोम्स ने कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई थी? देखिए फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस केस के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ बहुत जल्द हम इस केस की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। थैंक यू। बुक्स बराबर लिए है ना? हाँ। कंपास बॉक्स? हाँ सब ले लिया है। ये टिफिन कहाँ पे? बेटा आपका टिफिन। सारा अपना टिफिन पूरा खत्म करना। मामा अब झुके नहीं, डटे रहे। आई एम प्राउड ऑफ यू मामा। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था निकोल। थैंक यू सो मच बेटा। गुड शो अनुराधा, वेल डन। थैंक यू वेरी मच सर। मिनिस्ट्री ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया है, ये केस डिस्कस करना चाहते हैं। डीसीपी अनुराधा सरकार की अगुवाई में कोलकाता क्राइम ब्रांच इस केस की सच्चाइयां सामने लेकर आई, और ये सच्चाइयां उस झूठ से काफी अलग थी जिसे प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारी सच मान बैठे थे। इन सभी ने रीटा गोम्स के केस को एक कॉन्स्पिरेसी बताया था, उसके चरित्र को, उसकी पर्सनल हिस्ट्री को, सबको इस केस में घसीटा गया, और अब वही अधिकारी शर्मिंदगी से पानी पानी हुए जा रहे थे। दीदी जी, क्या पहले से ही जानती थी कि रीटा गोम्स कोई कहानी नहीं बना रही है? मैं पहले से कुछ तय नहीं करती। आपने अपने ही डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिसर्स की सोच के खिलाफ जाकर उन्हें गलत साबित किया। सॉरी आपका सवाल फैक्चुअल नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ये केस पूरे फोर्स ने मिलकर सॉल्व किया है, और ये केस सॉल्व होने पर पूरे डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी बहुत खुश है। थैंक यू। अगर खुश है तो आपका ट्रांसफर क्यों हो रहा है? देखिए मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, पुलिस ऑफिसर, अपना काम अच्छी तरह जानती हूँ, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को समझती हूँ, तो मुझे कहीं भी चार्ज दे दिया जाए मेरी ड्यूटी चलती रहेगी पूरे लगन के साथ। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मैम। यस हम आपको मिस करेंगे। थैंक्स। शेरनी की तरह मेरे केस में लड़ी, सच सामने लाया। आखिर में इसके हिस्से क्या है आंटी? सच बोलने वालों के और सच ढूंढने वालों के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होता है। सच एक कड़वी गोली है जिसे सिर्फ हिम्मत वाला ही हजम कर सकता है, और डीसीपी में हिम्मत की कमी नहीं है। वो जहां भी जाएगी सच
सामने आ जाएगा। पकड़े गए तीनों अपराधियों की सभी बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गई हैं। दो अपराधी अभी पकड़े जाने बाकी हैं। इस केस की तहकीकात अब भी चल रही है। रीटा गोम्स सच बोल रही थी, वो ना तो विपक्ष की एजेंट थी और ना ही किसी षड्यंत्र का मोहरा। झूठी कहानी बनाने का उसके पास एक भी कारण नहीं था, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। पर एक लेडी ऑफिसर ने बहुत ही सेंसिटिवली और मजबूती से इस केस की सच्चाइयों का खुलासा किया। जिन पुलिस कर्मचारियों ने रीटा की इंसल्ट की थी, उस पर भद्दे प्रत्यारोप लगाए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर दुर्भाग्य की बात है कि साहसी और सच की सिपाही डीसीपी अनुराधा सरकार का तबादला कर दिया गया है। वो अब इस केस की इंचार्ज नहीं है। ये केस हमारे समाज की हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करता है। जैसे ही कोई महिला अपनी टर्म्स पर जिंदगी जीना चाहती है, शायद एक पब में जाकर एक ड्रिंक पीना चाहती है, तो भेड़ियों की तरह समाज का हर तबका उस पर टूट पड़ता है, उसे बच्चलन करार देता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी आबरू पर हमला होता है, तो कहा जाता है कि ये मुसीबत उसने खुद बुलवाई, वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मर्दों का क्या? औरतों के आचरण के लिए मीलों लंबी रूल्स की लिस्ट, लेकिन पुरुषों के लिए मानो सब जायज। एक औरत का रेप करने वाले की मोरालिटी पर उतना डिस्कशन क्यों नहीं होता? जब बात आती है औरतों के बिहेवियर की, तो हम कल्चर को सामने रखते हैं। लेकिन क्या एक रेपिस्ट भी एक दीमक खाए कल्चर की उपज नहीं है? पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ और जिम्मेदार लोगों ने इस केस में बहुत सीरियस गलती की है। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में एक औरत की निजी जिंदगी, उसकी मोरालिटी, उसकी गरिमा को बिना मतलब के इस सब में घसीटा गया। निष्पक्ष होकर न्याय दिलाने की बजाय लोगों की व्यक्तिगत सोच और विचार उछाले गए, जबकि एक काबिल प्रशासन को इन सब चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए। दोष का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा भी है। हम समाज के सदस्य, मर्द और औरत, अक्सर औरतों के आचरण को लेकर काफी जजमेंटल हो जाते हैं। जरूरत है कि हम अपनी सभ्यता को रेगुलरली टटोलें, एनालाइज करें और उसे तरोताजा बनाएं। जो धारणाएं, जो आइडियाज समय के साथ नहीं बदलते, वो समाज के लिए जहरीले बन जाते हैं। पुरानी प्रथाओं को पत्थर की लकीर मानना दस्तक है कि इससे भयंकर जुर्म जन्म लेगा। अगर हम समय के साथ कदम मिलाना चाहते हैं, सच से आंखें मिलाना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा कि आईना हमेशा हमारे आगे होता है, पीछे नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।